हेलो गाइस, वेलकम टू एच चैनल। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम बात करेंगे क्लास सेवन्थ में हिंदी के चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि हमारा हिमालय की बेटियों के आंसर क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? तो हम नदियों को काफ़ी समय से अपनी माँ के रूप में जानते हैं, लेकिन जो लेखक नागार्जुन है वो उन्हें किन किन रूपों में और देखते हैं? तो देखते हैं हमारा आंसर। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदी अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। तो नागार्जुन ने बेटी के रूप में देखा है, प्रेयसी के रूप में देखा है, और अपनी बहन के रूप में भी नदियों को देखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? हमारी जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनकी विशेषता क्या है? तो देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। जो हमारी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनको हम काफ़ी ऐतिहासिक महत्व देते हैं और उनको हम पुल्लिंग रूप में रखते हैं। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियाँ का संगम भी होता है। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ इन दो नदियों में मिल जाती है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। अगर हम हमारे जियोग्राफिकल एरिया और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से देखें तो हमारे लिए जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उसमें भी उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय से पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित है, और ये दोनों जो नदियां हैं वो हिमालय से निकली है। हिमालय से जो बर्फ पिघलती है उन्हीं से ये नदियां बन जाती है। इनका रूप विशाल और विराट है। ये दोनों ही नदियां काफी बड़ी और विशाल है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। और इनका रूप जो है वो इतना लुभावना है कि जो समुद्र है वो भी इन्हें अपनी बेटियों की तरह देखता है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की यही विशेषताएं हैं जो हमारे खेतों में पानी सींचती है, और जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां इनमें मिल जाती है। ये हमारी भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी जरूरी है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है, काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो हमारे जो काका है कलेलकर, उन्होंने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो देखते हैं उन्होंने क्यों कहा है ऐसा। नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि को उर्वरक शक्ति और बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय एवं पवित्र कल्याणकारी है। तो कालेल करने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है कि जो नदियां हैं हमारी वो बहुत समय से हमारा भरण पोषण करती है। हमारी जो खेती होती है, हमारी जो भूमि होती है उसकी उर्वरक क्षमता, जितना उसमें प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है नदियों की वजह से। इसे और नदियों का जो पानी है काफ़ी पवित्र होता है और वो हमारे लिए पूजनीय भी है। वो हमारी भरण पोषण एक माँ की तरह करती है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवलेहना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कलेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसी तरह नदियाँ भी हमारा भरण पोषण करती है, और उसी वजह से काका कलेल करने नदियों को लोकमाता कहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फोर्थ। तो क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो देखते हैं जो लेखक उन्होंने जब हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो किन किन बातों को उन्होंने बताया था। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा के बारे में बताया, नदियों की अटखेलियों के बारे में बताया, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बारे में, पेड़ पौधों से भरी घाटियों के बारे में, और देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केले से भरे जंगल 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 की जो है उन्होंने प्रशंसा की है।
इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, जैसे बर्फ़ से ढकी चादर हिमालय के पास और बहुत सारे पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों के बारे में लेखक ने बताया है और उन सब की प्रशंसा की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो लिखा हुआ लेख जो है वो 1947 में लिखा हुआ था, तब से लेके अब तक हमारी जो नदियाँ उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, तो देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। पहले जो हमारी नदियाँ थी वो काफ़ी पवित्र हुआ करती थी, उनका जो पानी हुआ करता था वो काफ़ी साफ हुआ करता था, लेकिन अब में उनमें प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस तरह मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। जहाँ पर पहले मैदानी क्षेत्र थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, अब वो भी यहाँ पर नहीं बचे हैं। जो स्वच्छता है उनका नामो निशान मिट गया है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इस ज्वलंत उदाहरण हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो काफ़ी प्रदूषित नदियाँ हैं उनमें गंगा भी है, यमुना भी है, और जो हमारी बाकी की नदियाँ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। तो ये सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6th है हमारा, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कालिदास है उसने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा था। तो हिमालय ने देवता का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हम हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे कालिदास थे उन्होंने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर भगवान का वास है, या फिर देव जो हमारे देव हैं, देवता जो हैं, उनका वास है, वो वहाँ पर रहते हैं। और भगवान शिव का जो जन्म स्थान है या वास स्थान है वो भी हिमालय ही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है भाषा की बात। तो 7th क्वेश्चन है इसमें, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण जैसे कि सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। 2nd क्वेश्चन है, माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबके लगाया करता। अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही वर्ड को ढूंढना है जिसमें हमें इस तरह के वर्ड मिले, जैसे कि सम्राट महिला की भांति। तो ऐसे देखते हैं कौन कौन से वर्ड है इस चैप्टर में। तो पहला वर्ड हो जाएगा, सचमुच दादी माँ सब भ्रष्ट सा भ्रष्ट देवी सी लगी। 2nd हो जाएगा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सचिव खिलौने। 3rd हो जाएगा, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। 4th हो जाएगा, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। और 5th हो जाएगा, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने था। काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जैसे पैका जो हमारा है उसमें हिमालय के कंधे, जैसे कि कोई वो पर्सन होगा और उसके कंधे होंगे, इस तरह के हमारे यहाँ पर दिखाई दिया है। 2nd में काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, यानी कि लोगों की माता। तो ये क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ये दोनों ही तो क्या है, निर्जीव है। तो ऐसे ही हमें शब्दों को इस चैप्टर में से ढूंढकर लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हो जाएंगे वो। पहला हो जाएगा, नदियाँ सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती है। जो हमारी नदियाँ हैं वो कैसी प्रतीत होती है, महिला के जैसे। 2nd हो जाएगा, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती है। अब यहाँ पर हिमालय के बारे में बता दिया है। 3rd हो जाएगा, हिमालय को ससुर समुद्र को दामाद कहने से कुछ झिझक नहीं होती है। और जैसे यहाँ पर हिमालय को ससुर और समुद्र को क्या बताया है, दामाद बताया है। 4th में देख लेते हैं, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर
धुंधला होगा। अब यहाँ पर हिमालय को भूगा यानी कि कोई व्यक्ति बताया, जबकि वो क्या है, निर्जीव है। तो इस तरह के हमने वाक्य देख लिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्रॉस निशान लगाना है कि किसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसके आंसर किस तरह से हमें लिखना है। तो लिखते हैं, जैसे पहला जो हमें वर्ड दिया था सम्राट, तो सम्राट का किससे रिलेशन बन जाएगा, महिला का। चंचल क्या होंगी, नदियां होंगी। समतल क्या होगा, हमारा आंगन होगा। घना क्या होगा, जंगल। जंगल क्या होगा, काफी घना होगा। और मूसलाधार क्या होगी, वर्षा होगी। तो इस तरह से हमने इसके आंसर लिख दिए हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें द्वंद समास के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो लिखते हैं द्वंद समास के एग्जाम्पल। द्वंद्व समास में क्या आता है, हमारा इस तरह का एक सिंबल बीच में आता है। तो देखते हैं, जैसे कि छोटा और बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी पांच ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन और भाववाचक। अब हमें जैसे कि नदी, नदी का उल्टा क्या हो जाएगा, दीन। और दीन का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो। तो इसी तरह के ऐसे वर्ड लिखने हैं जिसका हम उल्टा करें तो भी वो वर्ड बन जाए, और उसकी संज्ञा भी हमें लिखनी है। तो जो हमने पहला वर्ड लिखा नव, नव का क्या हो जाएगा, वन। और वन क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे राम, राम का क्या हो जाएगा, मरा। और मरा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें हमारा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर गया है। जैसे राही, राही का क्या हो जाएगा, हीरा। और हीरा कैसी है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब एक मैटर। अब धारा लिखा, धारा का क्या हो जाएगा, राधा। और राधा क्या है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे लिखा नामी, नामी का क्या हो जाएगा, मीना। और मीना भी एक लड़की है, तो वो भी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है, वो भी क्या होता जाता है, बदलता जाता है। जैसे कि बेतवा नदी के नाम पर दूसरा रूप रख दिया हमने, बेतरावदी। इसी तरह से हमें ये सारे वर्ड जो दिए हुए हैं, इसका हमें नाम बताना है कि क्या क्या है हमने बदल दिए हैं। तो देखते हैं आंसर। पहला जो वर्ड था हमारा था सतलज, तो सतलज का हमने क्या कर दिया, अब शतदुम। झेलम का बिस्तता, रोपड़ का रूपपुर, अजमेर का अजमेरू, बनारस का वाराणसी, बिपाशा का चिनाव, ये सारे हमने नाम बदल दिए हैं। अब देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चिया बनकर ये कैसा खेला करती थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के जो वर्ड हैं या एक जो सेंटेंस है, उसको हम किन किन तरीकों से लिख सकते हैं, इसी तरीके से हमें लिखना है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरण सोचिए और दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे, या तो हम ही का यूज करेंगे या फिर नहीं का यूज करेंगे। तो हमने चार्ट बना लिया है और उसी में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले ही का देखेंगे, फिर हम देखेंगे नहीं का। तो ही से हम देखते हैं, वे शायद ये काम पूरा कर सके। दूसरा हो जाएगा, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। थर्ड हो जाएगा, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। और नहीं के प्रयोग से हम शब्द बना देते हैं, जैसे कि कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। और सेकंड बन जाएगा, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता। तो हमने ही के और नहीं के दोनों के ही शब्द बना लिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।